नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन कम्युनिटी में हम सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर निर्मला गुप्ता। आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे वो है एसीएफ और फॉरेस्ट रेंजर की जो पोजीशंस आई हुई हैं उनमें एग्रीकल्चर का पार्ट है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि लॉज ऑफ हेरिडिटी एंड देयर सिग्निफिकेंस इन प्लांट ब्रीडिंग, ये जो टॉपिक है लॉज ऑफ हेरिडिटी वाला जो पार्ट है ये हमें बायो में भी देखने के लिए मिलेगा। तो ये जो टॉपिक है ये हमारा बायो के साथ साथ एग्रीकल्चर में भी इम्पॉर्टेंट है। डिफरेंस इतना ये है कि प्लांट ब्रीडिंग का इम्पॉर्टेंस जो है वो हमें एग्रीकल्चर के पार्ट में इसे देखते हुए चलना है। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आनुवंशिकता के नियम तथा पादप प्रजनन में उनकी सार्थकता। आनुवंशिकता, जेनेटिक्स क्या होता है? तो जेनेटिक्स जो है जीव विज्ञान की वह शाखा है जो वंशागति और विविधताओं, वंशागति मतलब क्या होता है इनहेरिटेंस, और विविधताओं मतलब डाइवर्सिटीज का अध्ययन करते हैं। मतलब जीव विज्ञान की वह शाखा, बायो की वह शाखा जिसमें हम वंशागति, इनहेरिटेंस और डाइवर्सिटीज के बारे में बात करते हैं वो कहलाता है आनुवंशिकता मतलब जेनेटिक्स। इनहेरिटेंस, वंशागति मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल मुझमें जो कैरेक्टर्स होंगे वो किससे मिलते जुलते होंगे, या मेरे जो कैरेक्टर्स हैं वो किसके सिमिलर होंगे, मेरे पेरेंट्स के। तो यही जो प्रोसेस होता है जिसमें कि ट्रेड्स, कैरेक्टर्स या जो लक्षण होते हैं जब जनन से या जनक से मतलब पेरेंट से बच्चों में आते हैं या उनके ऑफस्प्रिंग्स में आते हैं, तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस कहते हैं। तो यही मतलब इनहेरिटेंस की स्टडी साथ ही साथ डाइवर्सिटीज मतलब क्या वेरिएशंस हैं मेरे पेरेंट्स में और मुझ में, तो इन्हीं सब चीज़ों की जो स्टडी होती है उसे हम क्या कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं। आनुवंशिकी जो शब्द है वो सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था, वेटसन के द्वारा 1905 में दिया गया था, परंतु ग्रेगोर जॉन मेंडल जो है उन्होंने सर्वप्रथम आनुवंशिकता को स्थापित करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए थे, इसीलिए ग्रेगोर जॉन मेंडल को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट जो है वंशागति मतलब इनहेरिटेंस, वो एक प्रोसेस होता है जिसमें जनक के लक्षण जो है वो क्या होते हैं, संतानों में जाते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको पहले ही बताया। नेक्स्ट क्या है कि वंशागति जो होती है वो जेनेटिक्स का आधार है। मतलब जेनेटिक्स का आधार क्या होता है, तो जेनेटिक्स का आधार होता है इनहेरिटेंस या वंशागति। नेक्स्ट हम आते हैं आनुवांशिकी से संबंधित तथ्यों में, मतलब फैक्ट्स रिलेटेड टू जेनेटिक्स कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिन्हें हमें समझना बहुत ही ज़रूरी है ताकि हम मेंडल्स के लॉ को समझ पाएं। तो सबसे पहला जो टर्म है वो है एलील। क्या है एलील? एलील क्या होता है, प्रत्येक आनुवांशिक लक्षण जो होता है वो एक इकाई द्वारा नियंत्रित होता है। मतलब जो भी लक्षण हैं या जो भी कैरेक्टर है, फॉर एग्जांपल मेरी आँखें जो हैं वो ब्लैक हैं, तो अब आँखों में भी जो होता है कलर अलग अलग होते हैं, ब्लैक हो सकता है, ब्राउन हो सकता है, ब्लू हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, तो ये क्या होते हैं, ये अलग अलग वेरियंट्स हुए, ये अलग अलग डाइवर्सिटीज पाई जा रही हैं, तो इन्हीं डाइवर्सिटीज को डिनोट करने के लिए इनकी अलग अलग इकाइयां हैं। एक लक्षण को डिनोट करने के लिए अलग अलग इकाइयां जो होती हैं, इन्हीं इकाइयों को हम क्या कहते हैं, एलील्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक बीज उठाया मटर का, तो अगर मटर का बीज जो है वो गोल है, ठीक है, तो उसे हम रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, कैपिटल आर से कर रहे हैं। वहीं अगर मैंने एक बीज देखा जो कि झुर्रीदार है, जो कि रिंकल्ड है, तो उसे हम क्या कर रहे हैं, स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, एलील्स कहते हैं। मतलब एक लक्षण में अगर उन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए उनके अलग अलग वेरिएंट्स को, उनकी अलग अलग इकाइयों को जो कि उस लक्षण को क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, एलील्स कहते हैं। नेक्स्ट जो कहना चाहिए हमें कि एक टर्म है जिसे हम क्या कहते हैं, समयुग्मजी एवं विषमयुग्मजी, होमोजाइगस एवं हेटरोजाइगस। मेंडल के अनुसार प्रत्येक जनक मतलब पेरेंट जो है कि कायिक कोशिकाओं में एक ही गुण को व्यक्त करने के लिए क्या होते थे, दो कारक होते थे। मतलब मेंडल के अनुसार क्या था कि अगर कोई एक गुण है या कोई एक लक्षण है जो कि कायिक कोशिकाओं सोमैटिक सेल्स में प्रेजेंट हैं, तो उन कायिक कोशिकाओं में उस पर्टिकुलर लक्षण को डिनोट करने, शो करने के लिए दो कारक या दो फैक्टर्स प्रेजेंट रहते थे, और अगर वही दो फैक्टर्स सेम है तो
तो वो क्या कहलाएंगे, होमोजाइगस मतलब समयुग्मजी कहलाएंगे। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि कोई पौधा जो है वो लंबा है, मतलब क्या है, टॉल है, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैपिटल टी से, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर बौना पौधा है मतलब स्मॉल टी हो गया। अगर सीड के बारे में बात करें, गोल है तो कैपिटल RR, झुर्रीदार है तो स्मॉल RR, मतलब यहाँ पे जो दो कारक दिख रहे हैं हमें वो क्या है, सेम है, इसीलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, समयुग्मजी मतलब होमोजाइगस कह रहे हैं। तो ऐसी दशा में हम क्या कहेंगे, इसे होमोजाइगस कहेंगे मतलब समयुग्मजी कहेंगे। इसके विपरीत क्या होता है, जब दोनों कारक एक दूसरे से भिन्न होते हैं, मतलब कैपिटल टी होगा स्मॉल टी होगा, कैपिटल आर होगा स्मॉल आर होगा, तो इस कंडीशन में हम इसे क्या कहेंगे, हेटरोजाइगस कहेंगे या विषमयुग्मजी कहेंगे। तो ये हुआ समयुग्मजी एवं विषमयुग्मजी के बारे में। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, या हम ये कह सकते हैं कि एक टर्म है जिसे हम क्या कहते हैं, फिनोटाइप कहते हैं और जीनोटाइप कहते हैं। तो फिनोटाइप का मतलब क्या होता है कि जीवधारी के जो लक्षण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर बीज जो है पौधे का, ठीक है, वो गोल है, झुर्रीदार है, पौधा लंबा है, बौना है, तो ये सारे जो लक्षण हैं ये हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ रहे हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, फिनोटाइप कहते हैं। वहीं अगर जीवधारी के आनुवांशिक संगठन मतलब जेनेटिक कंस्टिट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम बात करें, जैसा कि हमने अभी देखा कि कैपिटल आर है स्मॉल आर है, मतलब मेंडल के अकॉर्डिंग क्या था कि दो कारक के थ्रू कोई भी लक्षण रिप्रेजेंट किए जाते थे। तो अगर मैंने सीड का जो शेप है गोल है रिंकल्ड है उसे शो किया है दो कारकों के हेल्प से, तो अगर उस दो कारक में कैपिटल आर है स्मॉल आर है, या कैपिटल आर हो सकता है, कैपिटल आर हो सकता है, या स्मॉल आर हो सकता है, तो इसे हम क्या कहेंगे, उस जीवधारी का जेनेटिक कंस्टिट्यूशन कहेंगे किसी एक पर्टिकुलर लक्षण के लिए, तो इसे हम क्या कहेंगे, जीनोटाइप कहेंगे। उदाहरणार्थ हमने देखा कैपिटल टी मतलब कोशिकाओं में दो कारक दोनों किसके लिए हैं, लंबे लक्षण के लिए हैं, और वहीं अगर स्मॉल टी है तो बौनेपन के लक्षण वाले हैं, और वहीं अगर कैपिटल टी स्मॉल टी है तो मतलब क्या है, कोशिकाओं में जो दो कारक हैं वो एक लंबेपन के लिए है और एक बौनेपन के लिए है। तो ये हुआ फिनोटाइप और जीनोटाइप। नेक्स्ट आते हैं मेंडल के प्रयोग मतलब मेंडल्स एक्सपेरिमेंट्स। सर्वप्रथम जिस पर्सन ने जेनेटिक्स या आनुवंशिकता के बारे में बताया या आनुवंशिकता को प्रूफ किया कि हाँ कैरेक्टर्स जो होते हैं वो जनक से पेरेंट से उनकी संततियों में जो हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं, वो भी प्रूव्ड करके मतलब एक्सपेरिमेंट के द्वारा उन्होंने प्रूव किया, ठीक है, तो उस पर्सन का नाम था, वो जो बॉटनिस्ट थे उनका नाम था ग्रेगोर जॉन मेंडल, ठीक है। और ग्रेगोर जॉन मेंडल ने ही क्या किया था, आनुवंशिकता पर सर्वप्रथम प्रयोग किया था, और इसी के कारण कि मेंडल ने एक नई शाखा स्थापित की जीव विज्ञान की, ठीक है, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, जिसमें हम इनहेरिटेंस वंशागति एवं डाइवर्सिटीज या विविधताओं के बारे में बात करते हैं, उसे हमने क्या कहा, आनुवंशिकता कहा। और जो ग्रेगोर जॉन मेंडल थे वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए और इसे प्रूव किया, इसीलिए ग्रेगोर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स या आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है मेंडल के आनुवंशिकता के नियम मतलब मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। अब मेंडल ने जितने भी एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए, उन्होंने जो जो प्रोसेसिंग की, ठीक है, और उसके बाद उनके जो ऑब्जर्वेशंस हुए या रिजल्ट्स हुए या आउटकम जो हम देखते हैं, वो आउटकम हम उनके तीन लॉज या नियम के द्वारा देखते हैं। तो वो जो नियम बने वो कैसे बने, उन्होंने दो प्रकार के संकरण किए, एक किया उन्होंने एक संकरण, ठीक है, और दूसरा किया उन्होंने द्विसंकरण। एकल संकरण मतलब क्या किया उन्होंने, मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया, क्या किया उन्होंने, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, आगे हम देखेंगे इसे। और द्विसंकरण मतलब उन्होंने क्या किया, डाईहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म किया, ठीक है। और इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा उन्होंने अपने तीन नियम दिए। तो सबसे पहला नियम जो था वो है प्रभाविता का नियम, जिसे हम लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। दूसरा है विसंयोजन का नियम, जिसे हम लॉ ऑफ सिग्रीगेशन कहते हैं।
थर्ड है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, मतलब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एसॉर्टमेंट। तो चलिए एक एक करके हम अब मेंडल के एक एक नियम देखते हुए चलेंगे। सबसे पहला नियम जो है मेंडल का वो कहलाता है प्रभाविता का नियम, मतलब मेंडल्स फर्स्ट लॉ, मतलब लॉ ऑफ डोमिनेंस। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रभावी होना मतलब डोमिनेंट होना, तो अगर हम डोमिनेंट हैं तो किसी एक दूसरे पर ही डोमिनेंट हो सकते हैं, मतलब एक जो है वो सप्रेस होगा, दबेगा, तभी तो हम प्रभावी होंगे। तो कहने का मतलब यही है कि एक लक्षण जो है वो दूसरे लक्षण पर क्या होता है, प्रभावी होता है। ठीक है, कैसे, किसी लक्षण के दोनों एलील में क्या हो रहा है, किसी लक्षण के दोनों एलील में से एक जो है वो क्या होगा, दूसरे पर प्रभावी होगा। मतलब एक जो है वो दूसरे पर प्रभावी होके क्या होगा, वो अपना लक्षण तो जो है वो एक्सप्रेस कर देगा, बट दूसरे का जो लक्षण है वो क्या होता है, सप्रेस हो जाता है या दब जाता है, तथा दूसरा जो है वो अप्रभावी हो जाता है। उदाहरणार्थ अगर हम देखें लंबेपन का कारक जो है, ठीक है, लंबा होना जो है, मतलब जैसा कि मैंने अभी आपको सभी को बताया था कि जो ग्रेगोर जॉन मेंडल होते हैं, अगर हम पिछले वीडियो में जाएं तो ग्रेगोर जॉन मेंडल जो थे उन्होंने क्या किया था, साधारण मटर मतलब पाइसम सटाइवम पर अपने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए। तो इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा उन्होंने क्या किया, अपना नियम दिया। ठीक है, तो वही बता रहे हैं मेंडल के अनुसार क्या था कि उन्होंने क्या किया, एक ऐसा प्लांट लिया मटर का जो लंबा और दूसरा बौना। जब उन्होंने क्रॉस कराया मतलब पॉलिनेशन कराया, तो उन्होंने क्या देखा कि जो लंबा पौधा था वो बौने पौधे पर क्या था, प्रभावी था। तो जो हाइब्रिड बना, ठीक है, या जो संकर बनता है आखिरी में क्रॉस होने के बाद जो हाइब्रिड बनता है वो कैसा होगा, वो लंबा दिखाई देगा, मतलब जो ऑफस्प्रिंग बन रही है, ठीक है, जो संतति आती है वो कैसी आती है, लंबेपन की आती है, मतलब जो प्लांट है वो कैसा होगा, वो लंबा होता है। तो उन्होंने क्या कहा कि लंबेपन का जो कारक होता है वो बौनेपन के कारक पर क्या होगा, प्रभावी होगा। तो वही जो है मेंडल का प्रथम नियम क्या है, प्रभाविता का नियम, जिसमें ये कह रहे हैं कि जो लक्षण होते हैं उनके दोनों एलील, जैसा कि हमने पहले ही देखा था कि मेंडल के अनुसार क्या होता है कि कोई भी लक्षण जो है वो दो कारकों मतलब दो एलील्स के थ्रू आप एक्सप्रेस कर सकते हो। तो जब दो एलील्स में से एक जो है वो दूसरे पर प्रभावी होता है, ठीक है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, प्रभाविता का नियम, जिसके कारण क्या होता है कि जो प्रभावी है उसका कैरेक्टर या लक्षण जो है वो एक्सप्रेस हो जाएगा, और जो प्रभावी नहीं होता, जो अप्रभावी है, उसका लक्षण जो है वो दब जाता है। उदाहरण में उन्होंने क्या बताया कि लंबापन जो होता है वो प्रभावी है, बल्कि बौनापन जो है वो अप्रभावी है। तो ये हमने देखा मेंडल का प्रथम नियम। तो चलिए हम इसे समझते हैं एकल संकरण के द्वारा। ये है एकल संकरण। एकल संकरण क्या होता है, जब मैं आपको दोनों लॉस समझा दूंगी तब मैं आपको समझाऊंगी कि एक्चुअली एकल संकरण या मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। अभी मैं आपको सिर्फ इतना बता रही हूँ कि यहाँ पर हम प्रथम नियम को कैसे देख रहे हैं। तो प्रथम नियम में जैसा कि हमने देखा कि ये जो कैपिटल टी टी है ये क्या कर रहा है, ये लंबे पौधे को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्मॉल टी टी जो है वो क्या कर रहा है, वो बौने पौधे को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो मतलब ये क्या है, ये पेरेंट्स हैं। वहीं अगर हम गेमेट्स को देखें मतलब युग्मक जो कि पेरेंट्स से बनते हैं, तो कैपिटल टी जो है वो लंबा और स्मॉल टी जो है वो बौना। अब क्या हुआ, इनका क्या होगा, क्रॉस होगा। ठीक है, तो क्या बनेगा, ये कैपिटल टी और स्मॉल टी, मतलब इसका जीनोटाइप क्या होगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी, बट इसका फिनोटाइप क्या होगा, पौधा जो है वो लंबा दिखाई देगा। अब आपको आई थिंक समझ में आया होगा कि जीनोटाइप जो है ये है हेटरोजाइगस, बल्कि पेरेंट्स जो थे वो कैसे थे, होमोजाइगस। ठीक है, और जो हाइब्रिड बना या जो संतति आई उसे हम क्या कहेंगे, F1 जनरेशन, F1 पीढ़ी, मतलब F1 मतलब क्या होता है, सीरियल जनरेशन। ठीक है, तो F1
सेकंड जनरेशन मतलब पहला जो क्रॉस किया जाएगा पेरेंट्स के लक्षणों को लेकर, ठीक है, उसमें क्या हमें दिखाई दे रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो उसका जो जीनोटाइप है वो क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिनोटाइप क्या है, पौधा जो है वो लंबा है, मतलब F1 जनरेशन, F1 पीढ़ी में जितने भी पौधे आएंगे वो सभी कैसे होंगे, लंबे होंगे। तो ये हमने क्या देखा कि जो लंबापन है वो प्रभावी है किस पे, बौनेपन पर। तो आई थिंक इतना आपको क्लियर हुआ होगा कि प्रभाविता का नियम क्या होता है। नेक्स्ट है मेंडल का द्वितीय नियम, जिसे हम कहते हैं विसंयोजन का नियम। क्या है, लॉ ऑफ सिग्रीगेशन। सिग्रीगेशन का मतलब होता है सिग्रीगेट होना, अलग होना। तो चलिए देखते हैं हम विसंयोजन के नियम के अनुसार क्या है। एलील जो होते हैं आपस में सम्मिश्र न होकर दूसरी पीढ़ी मतलब F2 में वो क्या होते हैं, फिर से स्वतंत्र तौर पर अभिव्यक्त होते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी लक्षण है उनके जो एलील्स हैं वो कभी भी मिक्स नहीं होते, वो दूसरे जनरेशन में, मतलब हमने अभी तो F1 पीढ़ी देखी थी, अब क्या होगा F2 पीढ़ी में वो जो सारे एलील्स हैं वो स्वतंत्र रूप से क्या करेंगे, अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है, और उसी एक्सप्रेशन मतलब क्या होंगे, वो फिर से अपने आप को स्वतंत्र तौर पर अभिव्यक्त करेंगे, मतलब इंडिपेंडेंटली वो अपने आप को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, और वो भी किस में, F2 पीढ़ी में, ठीक है। इसीलिए किसी लक्षण के दो कारक एक दूसरे से अलग होकर अलग अलग युग्मकों में जाते हैं। इसी चीज को प्रूव करने के लिए कि F2 पीढ़ी में जितने भी संतति बनते हैं या संतान आते हैं वो क्या करेंगे, वो हर लक्षण को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये पॉसिबल कैसे होता है कि जो एलील्स होते हैं वो स्वतंत्र तौर पर अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं, क्यों, क्योंकि वो उस पर्टिकुलर जीनोटाइप से सिग्रीगेट होते हैं, मिश्रित नहीं हो जाते, सिग्रीगेट होकर स्वतंत्र तौर पर वो क्या होते हैं, अपने आप को रिप्रेजेंट या अभिव्यक्त करते हैं या एक्सप्रेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेंडल ने प्रथम और द्वितीय नियम निम्न क्रॉस के आधार पर परिभाषित किए हैं, मतलब अपना फर्स्ट और सेकंड जो उनका लॉ है उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के थ्रू रिप्रेजेंट किया है। तो चलिए अब मैं आपको समझाती हूँ कि व्हाट एक्चुअली इज नोन एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस या एकल संकरण हम किसे कहते हैं। एकल संकर भी कह सकते हैं या एकल संकरण कहेंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो मेंडल ने मटर के लंबे तथा बौने पौधे का संकर कराया, मतलब क्रॉस कराया। इससे उत्पन्न बीज जो है वो प्रथम संतति मतलब प्रथम पीढ़ी मतलब F1 प्रोजेनी के थे, जिनसे सभी जो पौधे प्राप्त होते हैं वो कैसे होते हैं, वो लंबे प्राप्त होते हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये तो हमारा प्रूफ हो गया पहला नियम प्रभाविता का नियम। दूसरा जो है हमारा विसंयोजन का नियम, इसे हमें प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें जो F1 पीढ़ी मिली या प्रथम संतति जो मिली है, अब उन्हीं प्रथम संतति को हम क्या करेंगे, सेल्फ क्रॉस कराएंगे, मतलब हम क्या कराएंगे, उन्हें स्वयं परागित कराएंगे। अब इस स्वयं परागित करने के बाद या सेल्फ क्रॉसिंग के बाद क्या होगा, जो हमें संतानें मिलती हैं वो F2 पीढ़ी की कहलाएंगी या F2 जनरेशन की कहलाएंगी। तो F2 पीढ़ी में क्या होगा, मेंडल ने देखा, मेंडल को एक सरप्राइजिंग चीज़ें प्राप्त हुई, कैसे कि जो सभी पादप थे वो लंबे नहीं थे, बल्कि F1 पीढ़ी में सभी पौधे क्या थे, लंबे थे। F2 पीढ़ी में सभी पौधे जो थे वो लंबे नहीं थे, बल्कि उनमें से कुछ जो थे वो छोटे भी हुए, तथा 3/4 पादप जो थे वो लंबे थे और 1/4 जो पादप थे वो कैसे थे, वो बौने थे। तो चलिए हम इसे समझते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि ये है पेरेंट जनरेशन, जिसमें हमने देखा कैपिटल TT मतलब लंबा पौधा, स्मॉल TT मतलब बौना पौधा। अब इनके जो युग्मक बनेंगे, गेमेट्स बनेंगे, वो कैसे बनेंगे, लंबे पौधे का कैपिटल T, बौने पौधे का स्मॉल T। क्रॉस हुआ क्या बनेगा, कैपिटल T स्मॉल T। परंतु जो कैपिटल टी है वो प्रभावी है स्मॉल टी पे, मतलब जो लंबापन है वो बौनेपन पर प्रभावी है। इसीलिए F1 जनरेशन, F1 पीढ़ी में जितने भी पौधे होंगे वो हमें लंबे दिखाई पड़ेंगे, इसीलिए यहाँ पे सभी जो मटर के पौधे होंगे वो लंबे होंगे। कहने का मतलब ये है कि जो फिनोटाइप है वो लंबापन है, बट जीनोटाइप क्या है इसका,
हेटरोजाइगस है, मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी है। अब हमने क्या किया, हमें मेंडल के दूसरे नियम को प्रूफ करना है, तो उन्होंने क्या किया, विसंयोजन का नियम बताया, लॉ ऑफ सिग्रीगेशन बताया, जिसमें उन्होंने ये बताया कि जब F1 पीढ़ी के संतानों को हम क्या करेंगे, एक साथ क्या करेंगे, सेल्फ क्रॉस कराएंगे, तो वहां पर क्या होता है कि जो एलील्स होते हैं वो सिग्रीगेट होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, वो सम्मिश्रित नहीं होते, इसीलिए वो अलग अलग क्या कहते हैं, अलग अलग युग्मकों के साथ क्या करते हैं, जोड़े बनाते हैं, जिसके कारण हर एलील जो है अपने आप को क्या करता है, अभिव्यक्त करता है। तो अब हमने देखा कि ये हमारा F1 पीढ़ी था, F1 युग्मक क्या बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस कराएंगे हम, तो ये जो हमारा है इसे हम कहते हैं चेकरबोर्ड या पुनेट स्क्वायर, क्या कहते हैं हम, पुनेट स्क्वायर कहते हैं, या इसे हम क्या कह सकते हैं, चेकरबोर्ड कह सकते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये है हमारा फीमेल और ये हमारा मेल का साइन है, ठीक है, तो इसमें हमारा एक जो है एलील क्या है, कैपिटल टी, दूसरा स्मॉल टी, उसी तरीके से हमने वर्टिकली भी लिखा कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब इन दोनों का पेयरिंग क्या होगा, कैपिटल टी इसका और इसका क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, उसी प्रकार इसका और इसका क्रॉस क्या कहलाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसका क्या कहलाएगा, स्मॉल टी। जैसा कि मेंडल ने ऑब्जर्व किया था वही हमने यहाँ पर देखा, कैसे मेंडल ने क्या बताया था कि F2 पीढ़ी में सभी पौधे जो हैं वो लंबे न होकर कैसे होंगे, कुछ छोटे होंगे, मतलब ये जो है ये कैसा होगा, ये छोटा होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो एलील्स हैं वो स्मॉल टी हैं। वहीं क्या होंगे, 3/4 पादप जो होंगे वो लंबे होंगे, यहाँ पे हमें 4 मिल रहे हैं, मतलब 3/4 जो है वो हमें लंबे दिखाई देंगे, क्यों, क्योंकि कैपिटल टी भी लंबा, कैपिटल टी स्मॉल टी भी लंबा, और कैपिटल टी स्मॉल टी भी लंबा, तो 3/4 जो है वो कैसे हैं, लंबे हैं, और ये जो स्मॉल टी है वो क्या बना रहा है, वो 1/4 बना रहा है, तो ये क्या है, बौना है। तो इस प्रकार मेंडल ने प्रूफ किया कि F2 जनरेशन में जितने भी एलील्स होते हैं वो सिग्रीगेट होकर अलग अलग युग्मकों के साथ जोड़े बनाकर क्या करते हैं, अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं, कौन सी पीढ़ी में, F2 पीढ़ी में। तो ये हुआ विसंयोजन का नियम। नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड लॉ मेंडल का। उससे पहले हम देखें कि एक्चुअली में दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स होते हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। उसमें जो सबसे पहला टर्म है वो है बैक क्रॉस और दूसरा जो है वो है टेस्ट क्रॉस। तो बैक क्रॉस को समझते हुए F1 पीढ़ी के किसी भी एक माता पिता के साथ अगर संकरण कराया जाए तो वो क्या होगा, बैक क्रॉस कहलाता है। बैक क्रॉस मतलब क्या है, F1 पीढ़ी में अगर कैपिटल टी स्मॉल टी हमें मिला F1 पीढ़ी में, ठीक है, तो इसका संकरण हमें किसके साथ कराना है, किसी भी माता पिता के साथ, चाहे वो डोमिनेटिंग हो, मतलब चाहे वो प्रभावी हो, चाहे वो अप्रभावी हो, तो मतलब इसको क्रॉस हम चाहे तो कैपिटल टी के साथ भी करा सकते हैं या स्मॉल टी के साथ भी करा सकते हैं। तो इसे कराने का क्या मतलब होता है, इससे क्या होता है, हमें जीनोटाइप प्राप्त होता है कि एक्चुअली जो गैमेट्स की प्योरिटी है उसके बारे में हमें पता चलता है। नेक्स्ट जो है वो है टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस में हम क्या कहते हैं, F1 पीढ़ी का जो अप्रभावी या रेसेसिव होता है उसके माता पिता के साथ क्या कराया जाता है, संकरण कराया जाता है। मतलब F1 पीढ़ी, फॉर एग्जांपल F1 पीढ़ी में हमें क्या मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी मिला, तो टेस्ट क्रॉस में उसको क्या किया जाएगा, F1 पीढ़ी के संतानों को जो माता पिता में जो अप्रभावी था उसके साथ क्या कराया जाएगा, उसका संकरण, मतलब क्या स्मॉल टी का क्या कराया जाएगा, संकरण कराया जाएगा। तो बैक क्रॉस में किसी भी माता पिता के साथ F1 जनरेशन का संकरण कराया जाता है, वहीं टेस्ट क्रॉस में जो अप्रभावी होता है माता पिता में उसका संकरण कराया जाता है F1 पीढ़ी के संतानों के साथ। तो ये हुआ टेस्ट क्रॉस। नेक्स्ट है मेंडल का तृतीयक नियम, जिसे हम कहते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन नियम, जिसे मेंडल्स लॉ या थर्ड लॉ ऑफ मेंडल कहा जाता है, जिसे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी हम कह सकते हैं।
इसके अनुसार मतलब मेंडल के अनुसार उन्होंने क्या बताया इस लॉ में कि इसे आनुवंशिकता का नियम भी कहा जाता है, मतलब लॉ ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जा सकता है। तो कौन से लॉ को लॉ ऑफ जेनेटिक्स कहा जाएगा? थर्ड लॉ को, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को कहा जाएगा। मेंडल के तृतीय नियम के अनुसार क्या था? किसी भी संकर में लक्षणों के दो जोड़े लिए जाते हैं। मतलब अब यहाँ पे हम क्या बात करेंगे? डाईहाइब्रिड क्रॉस की, मतलब दो हाइब्रिड बनने हैं तो हमें दो लक्षणों को लेके चलना होगा। मतलब किसी भी संकर में लक्षणों के दो जोड़े को लेके हमें चलना है। तो किसी एक जोड़े का लक्षण जो है वो विसंयोजन दूसरे जोड़े से स्वतंत्र होता है। मतलब यहाँ पर जो एक जोड़ा है वो दूसरे जोड़े पर क्या होगा? कहीं से कहीं रिलेट नहीं होगा, वो स्वतंत्र होता है। ठीक है, इस नियम को मेंडल ने द्विसंकर द्वारा स्थापित किया, मतलब डाईहाइब्रिड क्रॉस के द्वारा उन्होंने क्या किया? स्थापित किया। मतलब कहने का ये है कि अगर हम दो जोड़े लेते हैं, दो लक्षण ले रहे हैं, तो मतलब दो जोड़े ले रहे हैं कैरेक्टर्स के, लक्षणों के, तो वहाँ पे जो युग्मक का निर्माण होता है या उसके बाद युग्मक जो होते हैं वो विसंयोजित होते हैं, तो उनका जो कहने का ये है कि विसंयोजन दूसरे जोड़े से स्वतंत्र होता है। मतलब उन्हें जब वो सिग्रीगेट होंगे और जब वो मिलते हैं युग्मक, तो उन्हें उस चीज़ से मैटर नहीं करता या फर्क नहीं पड़ता कि वो पहले किस जोड़े से जुड़े हुए थे। वो सब सिग्रीगेट होंगे, नए नए जोड़े बनाएंगे, उससे क्या होगा? नए नए कैरेक्टर्स का निर्माण होता है। तो इसी नियम को मेंडल ने क्या किया? डाईहाइब्रिड क्रॉस के द्वारा सत्यापित किया था। तो चलिए हम देखते हैं कि डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। द्विसंकर डाईहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। मेंडल ने मटर के पौधे पर दो लक्षणों को एक साथ लेकर प्रयोग किए। मेंडल ने क्या किया? मटर के पौधों पर दो लक्षणों को एक साथ लिया। कैसे? पीले तथा गोल मटर। मतलब मटर कैसा दिखता है? एक तो पीला है, साथ ही साथ गोल है, तो उसे हमने कैसे रिप्रेजेंट किया? कैपिटल वाई कैपिटल आर। वही दूसरा जो हमारा कैरेक्टर है वो है हरा तथा झुर्रीदार बीज, मतलब स्मॉल वाई स्मॉल आर। इन दोनों को हमें साथ में क्रॉस कराना है। द्विसंकर क्रॉस के आधार पर मेंडल ने वंशागति या इनहेरिटेंस का थर्ड लॉ बताया और वो जो रिजल्ट्स प्राप्त हुए वो हम अभी इस डाईहाइब्रिड क्रॉस के द्वारा देखेंगे। चलिए हम देखते हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस। हमने देखा कि यहाँ पे जो हमने कैरेक्टर्स लिए हैं, पेरेंट लिए हैं, वो कैसे थे? पीले तथा गोल बीज, इसे हमने रिप्रेजेंट किया कैपिटल वाई कैपिटल आर से। वही दूसरा जो हमारा कैरेक्टर था वो था हरा तथा झुर्रीदार बीज, मतलब स्मॉल वाई स्मॉल आर। जब ये गैमेट्स फॉर्म करेंगे तो कैसे फॉर्म करेंगे? कैपिटल वाई कैपिटल आर, इसका स्मॉल वाई स्मॉल आर। ये क्रॉस होके क्या बनाएंगे? कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, तो ये बना। अब इसमें हमें देखना है कि प्रभावी कौन सा होगा। तो प्रभावी जो है वो क्या होगा? एक तो पीला तथा क्या है? कैपिटल आर है, तो मतलब गोल। मतलब जो F1 पीढ़ी में हमें जितनी भी संतानें मिलेंगी वो दिखती कैसे होंगी? उनके जो बीज हैं वो कैसे होंगे? पीले और गोल होंगे। अब जैसा कि हमने देखा कि जो भी हमें रिजल्ट्स को आगे प्रूफ करना है, अब हमें द्विसंकरण के द्वारा हमें क्या बताना है कि जितने भी युग्मकों का निर्माण होता है वो विसंयोजित होते हैं और उनका दूसरों से, ठीक है, दूसरे युग्मकों के निर्माण से उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो होगा ये हम क्या करेंगे? अब F1 पीढ़ी में जो हमें क्या कहना चाहिए, हमें संतानें मिली थी F1 पीढ़ी की, अब हम उन्हें क्या करेंगे? स्वयं परागित करेंगे, मतलब सेल्फ क्रॉस करवाएंगे, ठीक है, स्वसंकरण करवाएंगे। तो फिर से हमें पुनेट स्क्वायर चेकर बोर्ड बनाना है, तो हमें कैसा करना पड़ेगा इसका? एक साइड हमारा क्या होगा? कैपिटल वाई, ठीक है, दूसरे
हमने क्या किया, पहले तो हमें इसे लिखने का तरीका देखना है कि डाई हाइब्रिड क्रॉस में हमें चेकरबोर्ड बनाना कैसा रहता है। तो इसके लिए आपको ध्यान ये रखना पड़ेगा कि सबसे पहले हमें क्या करना है कि चेकरबोर्ड में हमें यहाँ पे हमें दिख रहा है कि इधर भी चार और इधर भी चार हमारे बनने चाहिए। तो हमने क्या किया, पहले में कैपिटल वाई लिखा, दूसरे में भी कैपिटल वाई, तीसरे में स्मॉल और फिर से स्मॉल। और वैसे ही हम इधर चलेंगे तो हम इधर क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे इधर भी कैपिटल वाई कैपिटल वाई, ठीक है, और वहीं स्मॉल वाई लिख देंगे। और यहाँ पे अब हम ऑल्टरनेट चलेंगे दूसरे कैरेक्टर को लेके, कैसे, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर, वैसे यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर फिर हम कैपिटल आर और स्मॉल आर, इस तरीके से हमने क्या किया कैरेक्टर्स को अरेंज कर दिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कि ये क्रॉस होंगे तो मतलब कैरेक्टर्स जो हैं वो कंबाइन होंगे, तो इसका इससे, इसका कैसे बनेगा, इससे बनेगा, इसका इससे बनाएंगे और इसका इससे बनाएंगे। तो इस तरीके से हमने क्या किया, ये पूरे के पूरे कैरेक्टर्स जो हैं हमारे पास आ गए, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ पे जो हमें फिनोटाइपिक रेशियो दिखाई देता है, फिनोटाइप मतलब क्या होता है कि जो लक्षण हमें क्या होते हैं समक्ष दिखते हैं उसे हम क्या कहते हैं, फिनोटाइप कहते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पे जो युग्मकों का निर्माण होता है वो एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से क्या करते हैं, निर्माण होता है, और उसी के कारण क्या होता है यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के हमें लक्षण जो होते हैं वो दिखाई पड़ते हैं। तो यहाँ पे जो फिनोटाइपिक रेशियो है वो कैसा दिखाई देता है, 9:3:3:1 का रेशियो। तो यहाँ पे कैसे कैसे कैरेक्टर्स बनते हैं, तो अगर हम देखें तो 9 जो होता है मतलब 9 जो है 16 में से 9 जो होते हैं वो येलो एवं राउंड है मतलब पीले एवं गोल बीज होते हैं। वही 3 जो है 16 में से 3 वो कैसे होंगे, ग्रीन एवं राउंड होंगे मतलब हरे एवं गोल होंगे। वहीं फिर से 3 जो होंगे वो येलो एवं रिंकल्ड होंगे मतलब पीले एवं झुर्रीदार होंगे। और वहीं 1 जो है 16 में से 1 जो है जो कि हमारा क्या था, रेसेसिव वाला था, वो बनेगा मतलब ग्रीन एवं रिंकल्ड हरा एवं झुर्रीदार। तो इस प्रकार हमने देखा कि डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या किया जाता है, मेंडल के द्वारा 2 लक्षणों को लिया गया। अब 2 लक्षणों को लिया गया तो उससे हमने क्या प्रूफ किया, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहने का मतलब ये होता है कि एक युग्मक जो है वो उसका जो विसंयोजन होता है दूसरे युग्मक के साथ वो इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये जो युग्मकों का निर्माण है वो डिपेंड नहीं करता कि वो पहले किस पेयर के साथ था या प्रेजेंट था, इसलिए यहाँ पे जो होता है वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होके क्या होगा, एक नए कैरेक्टर का निर्माण करता है। तो वहीं हमने देखा कि हमारे जो पहले जो लक्षण थे मतलब गोल एवं पीले एवं गोल बीज जो थे और साथ ही साथ जो हमारा रेसेसिव या अप्रभावी जो हमारा लक्षण था वो क्या था, वो था हमारा हरे एवं झुर्रीदार बीज। तो उनके साथ साथ कुछ और नए लक्षणों का निर्माण हुआ, वो भी किसने, एफ टू पीढ़ी में। वो कौन कौन से थे, ग्रीन एवं राउंड मतलब हरे एवं गोल और साथ ही साथ पीले एवं झुर्रीदार, ये तो 2 नए कैरेक्टर्स थे इनका निर्माण हुआ। तो इसी द्विसंकरण के कारण या डाईहाइब्रिड क्रॉस के द्वारा मेंडल ने अपना 3rd लॉ प्रूव किया। और यही जो लॉस थे वो आज की डेट में हम क्या करते हैं, प्लांट ब्रीडिंग में उपयोग में ला रहे हैं। तो चलिए हम ये देखते हैं कि सबसे पहले प्लांट ब्रीडिंग जो होती है वो एक्चुअली में होती क्या है, मतलब पादप प्रजनन जो है उसमें हम करते क्या है, वो फील्ड कैसी है। इसी में जो हमें समझना है वो है पादप प्रजनन का इम्पोर्टेंस, मतलब क्या देख रहे हैं हम, लॉज ऑफ हेरिडिटीज का इम्पोर्टेंस देखना है पादप प्रजनन मतलब प्लांट ब्रीडिंग में। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्लांट ब्रीडिंग होती क्या है, पादप प्रजनन प्लांट ब्रीडिंग। पौधों का प्रजनन वांछित विशेषताओं या डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स को उत्पन्न करने के लिए पौधों के लक्षणों को बदलने का विज्ञान है। मतलब जैसा कि मेंडल ने किया था कि कुछ पौधे जो थे वो लंबे थे कुछ बौने थे, तो हमें कैसे चाहिए था कि सारे पौधे जो हों वो लंबे हों, तो हमने क्या किया उनका क्रॉस कराया।
जिसके कारण F1 पीढ़ी में हमें सारे लंबे पौधे ही मिले। ठीक है, तो इसी प्रकार प्लांट ब्रीडिंग में हम क्या कहते हैं कि पौधों का जो प्रजनन है वो क्यों किया जाता है, ताकि जो डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या वांछित विशेषताएं हैं उन्हें उत्पन्न करने के लिए हम क्या कहते हैं, करते हैं लक्षणों को बदलते हैं। तो इसी लक्षणों को बदलने का विज्ञान जो है वो प्लांट ब्रीडिंग या पादप प्रजनन कहलाता है। इसका उपयोग मनुष्यों एवं जानवरों के लिए उत्पादों में पोषण की गुणवत्ता को सुधारना है। फॉर एग्जाम्पल, आजकल क्या किया जाता है कि जैसे कि हम सभी जानते हैं कि राइस की अलग अलग वैरायटीज, वीट की अलग अलग वैरायटीज, मतलब चावल, दाल, गेहूं की अलग अलग वैरायटीज जो है वो क्यों आती है। हम कहते हैं कि इस क्या बोलना चाहिए, गेहूं की वैरायटी में बहुत अधिक प्रोटीन है, इसमें कम है, इसमें इससे भी ज़्यादा है। तो ये उत्पन्न कैसे हुए, तो ये उत्पन्न ऐसे हुए कि हमने कुछ जो वैरायटीज़ हैं अलग अलग पौधों की जो होती हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं वीट की बात करूं, अगर मैं गेहूं की बात करूं, तो अगर मैं बोलूं कि ये जो वैरायटी है गेहूं की इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन की गुणवत्ता है, इसमें कम है, तो ऐसा क्यों है कि हमने एक ऐसी वैरायटी उठाई गेहूं की जिसमें प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा था और एक जिसमें थोड़ा सा उससे कम था। जब हमने उन दोनों को क्रॉस कराया, उन दोनों का संकरण कराया, तो उससे क्या मिला हमें कि हमें एक ऐसी नई वैरायटी मिली गेहूं की जिसमें उच्च गुणवत्ता थी, किसकी, प्रोटीन की। उसी प्रकार अलग अलग जो कैरेक्टर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मुझे ड्रॉट रेजिस्टेंट प्लांट, मतलब सूखा क्या बोलना चाहिए, सूखा रेजिस्टेंट प्लांट बनाना है, मतलब सूखे में भी, मतलब कम पानी में भी प्लांट जो है वो जो है सर्वाइव कर पाए या अडॉप्ट कर पाए, तो मुझे अगर ऐसे प्लांट बनाने होंगे तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो मुझे एक ऐसा प्लांट लेना पड़ेगा जो कि ऑलरेडी कम पानी में जो है वो क्या हो रहा हो, सर्वाइव हो रहा हो। और मैंने टेरेस्ट्रियल प्लांट्स उठाए, ठीक है, जो कि आम तौर पर हमें आसपास मिलते हैं, ठीक है, और उनका संकरण कराया, तो हमें एक ऐसा पौधा मिलेगा जो कि कम पानी में भी अच्छे से सर्वाइव कर पाए। ठीक है, तो उसी चीज़ को हम सर्वाइव बताना चाह रहे हैं कि इसका उपयोग जो है प्लांट ब्रीडिंग का हम एक्चुअली में हमने शुरू क्यों किया था। वो इसलिए शुरू किया क्योंकि मनुष्यों और जानवरों में हमें क्या करना चाहता, जो उनके लिए उत्पाद हम बनाते थे प्लांट्स का, उन उत्पादों में क्या होना चाहिए, उच्च गुणवत्ता होनी चाहिए थी, किसकी, न्यूट्रिशंस की, पोषण की। पादप प्रजनन को कोई अलग अलग को कई अलग अलग तकनीकों के माध्यम से क्या किया जाता है, पूरा किया जा सकता है। ठीक है, उन तरीकों के जो अधिक जटिल, सबसे जटिल जो प्रक्रिया थी, देखो जो मेंडल ने यूज़ किया वो तो क्लासिकल जेनेटिक्स था, मतलब एक क्लासिकल मॉडल था जिसमें हम क्या कहते थे, पॉलन ग्रेन्स के थ्रू हम क्या कहते थे, पॉलिनेशन करते थे, क्रॉस कराया करते थे। बट आज की डेट में हम क्या कहते हैं कि हम उच्च गुणवत्ता युक्त या अधिक जटिल प्रोसेस यूज़ करके हम प्लांट ब्रीडिंग जो है वो करते हैं। उसी में एक जो टेक्निक है जिसे हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर टेक्निक, और इसी टेक्निक के थ्रू हम क्या कर रहे हैं आज की डेट में, वीट की अलग वैरायटीज, राइस की भी बहुत सारी वैरायटीज, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में राइस की काफ़ी सारी वैरायटीज होती हैं और हम सभी उनके बारे में पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, तो ये जो वैरायटीज हैं ये क्रिएट किसके थ्रू की जाती है, सबसे जटिल प्रोसेस और सबसे जो रिजल्ट बहुत अच्छा देने वाला प्रोसेस है वो है मॉलिक्यूलर टेक्निक्स के द्वारा ये चीज़ें पॉसिबल हो पाती हैं। एक पौधे में जो जीन होता है निर्धारित करता है कि वो किस प्रकार के उसमें गुणात्मक एवं मात्रात्मक लक्षण होंगे, मतलब अब ये लक्षण जो होते हैं वो किन में प्रेजेंट होते हैं, और इसी लक्षण को ही जो जिसे कारक कहा गया था, मेंडल ने कारक, मतलब फैक्टर जो था मेंडल का, वो जो कारक है आज की डेट में हम उसे क्या कहते हैं, जीन्स कहते हैं। मतलब मेंडल ने उसे सिर्फ कारक कहा था या फैक्टर कहा था, आज की डेट में हम उसे डिफाइन कैसे करते हैं, तो हम उसे जीन के नाम से क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो यही जो जीन होता है वो कंटेन करता है कि हम किस लक्षण की बात कर रहे हैं, और यही जो जीन्स होते हैं वो लक्षणों को या ट्रेड्स को क्या करते हैं, कैरी करते हैं।
पादप प्रजनन जो होता है पौधों के एक विशिष्ट परिणाम और संभवतः नए पौधों की किस्मों को बनाने का प्रयास करते हैं। मतलब प्लांट ब्रीडिंग में हम यही कोशिश करते हैं कि हम उच्च गुणवत्ता युक्त जिस भी डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स या वांछित क्या कहना चाहिए विशेषताओं को हम चाहते हैं वो प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू हम क्या करते हैं इसमें उपयोग में लाते हैं। तो ये हुआ लॉज ऑफ हेरिडिटी और साथ ही साथ उसका इम्पोर्टेंस कि प्लांट ब्रीडिंग में हम उसे कैसे यूज़ कर रहे हैं। तो पहले हम उसमें क्लासिकल मेथड्स यूज़ करते थे, आज हम मॉलिक्यूलर मेथड्स यूज़ करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको उदाहरण के साथ समझाया कि जितनी भी नई वैरायटीज़ मिल रही हैं हमें आज की डेट में, ऐसे कोई भी पौधे नहीं हैं जिनमें हमें कोई नई वैरायटी ना दिखाई देती हो। राइस हो गया, वीट हो गया, जिनमें हमने अलग अलग वैरायटीज़ देखी हैं, कुछ ऐसे गेहूँ, कुछ ऐसे राइस जिसमें कार्बोहाइड्रेट का लेवल बहुत ज़्यादा है दूसरों की अपेक्षा, प्रोटीन की कंसंट्रेशन जो है या प्रोटीन की जो गुणवत्ता है वो दूसरों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा है। तो उसी के बेसिस पे हम क्या करते हैं, हम जो चावल गेहूं या जो भी हम पदार्थ खा रहे हैं या जो न्यूट्रिशन ले रहे हैं हम उसके आधार पर लेते हैं कि हमें किस पर्टिकुलर न्यूट्रिशन या पोषण की अधिक आवश्यकता है। तो यही जो है वो हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा सारे के सारे लॉस या नियम जो कि मेंडल के द्वारा दिए गए थे और उसका इम्पोर्टेंस क्या है प्लांट ब्रीडिंग या पादप प्रजनन में। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इस टॉपिक से क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है वर्तमान आनुवांशिक विज्ञान का जनक कौन है। जैसा कि हमने डिस्कस किया है ये सारे जो प्रश्न हैं जो हमने अभी टॉपिक डिस्कस किया ये उन्हीं में से उठ के आए हुए हैं। तो अगर आपने ये टॉपिक ध्यान से सुना होगा तो इनके आंसर्स आप आराम से कर सकते हैं। तो हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, मतलब आनुवांशिक का जनक किसे माना जाता है। तो आनुवांशिकी का जनक माना जाता है ग्रिगोर जॉन मेंडल को। किसको माना जाता है, ग्रिगोर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडल ने अपने वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का उपयोग किया था वह कौन सा जीवधारी था, मतलब पादप था, एनिमल था, और उसमें अगर वो पादप था या एनिमल था तो उसका नाम क्या था। तो जैसा कि हमने सभी देखा कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किस पे किए थे, तो उन्होंने जो साधारण मटर के पौधे होते हैं जिसका साइंटिफिक नेम वैज्ञानिक नाम क्या था, पाइसम सटाइवम, उस पे परफॉर्म किया था। तो हमारा जो आंसर है वो है गार्डन पी, जिसे हम क्या कहते हैं, मटर या पाइसम सटाइवम। जो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, मेंडल के आनुवंशिकता का जो सिद्धांत था वह किस पर आधारित था। तो जो मेंडल के आनुवंशिकता का नियम था वो किस पर आधारित था, तो वो था लैंगिक जनन पर। ठीक है, तो ये हुआ तीन क्वेश्चंस जो कि हमने देखा और ये तीनों क्वेश्चंस आई थिंक कि आप लोगों ने आराम से इसके आंसर्स बता दिए होंगे। क्यों, क्योंकि ये चीज़ें हमने पहले अभी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है बैक क्रॉस योजित किए जा सकते हैं, बैक क्रॉस जो होते हैं उनसे हम क्या पता लगा सकते हैं। तो वो क्या होगा, जीव का लिंग निर्धारण करने हेतु, जीव का जीनोटाइप निर्धारण करने हेतु, जीव का फेनोटाइप निर्धारण करने हेतु, या इनमें से कोई नहीं। तो जीव का जीनोटाइप निर्धारण करने हेतु हम क्या करते हैं, बैक क्रॉस करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है किसी आबादी में किसी एक जीन के एलीलों की संख्या क्या हो सकती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक जो जीन होता है या जो कारक है उसके बहुत सारे क्या होंगे, फॉर्म्स हो सकते हैं। आँखों का कलर है तो उसके लिए काला, नीला, हरा, ब्लैक, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो एलील्स जो होंगे सबके लिए अलग अलग होंगे। तो इसीलिए किसी भी आबादी में किसी एक पर्टिकुलर जीन के एलील्स जो होते हैं वो बहुत से हो सकते हैं, मतलब द एलील्स कैन बी मेनी। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो कहीं ना कहीं एग्जाम्स में पूछे भी जा चुके हैं, इसलिए मैंने आपको ये सॉल्व कराया। और इनमें से कुछ क्वेश्चंस जो हैं पिछले साल के ACF और फॉरेस्ट रेंजर्स के एग्जाम्स में भी पूछे जा चुके हैं। तो आई होप कि ये टॉपिक जो है वो आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको फिर एक नए टॉपिक के साथ आपको मिलूंगी और फिर हम उसे डिटेल स्टडी करेंगे कुछ नए क्वेश्चंस के साथ या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस करते हुए। तब तक के लिए थैंक यू।
CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कंपटीशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।